स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे और जानेंगे क्यों गेहूं आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है सरकार। बताएंगे कुपोषण मिटाने में कैसे मददगार होगी धान। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट ने क्यों बढ़ाई सरकार की मुश्किल। देखेंगे जानवरों के इलाज के लिए कहां है आईसीयू। साथ ही बताएंगे कैसे यूपी सरकार ने बढ़ाई बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों की मुश्किलें। गेहूं की उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार मुश्किल में फंस गई है, जिसके बाद सरकार गेहूं आयात को रोकने के लिए पहल कर रही है। दरअसल देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद आटा मिले और व्यापारी गेहूं आयात कर रहे हैं। पिछले महीनों हुई बेमौसम बारिश सरकार की मुश्किलें अभी भी बढ़ा रही हैं। अब सरकार भी गेहूं की गुणवत्ता की वजह से मुश्किल में पड़ गई है। केंद्र सरकार गेहूं के आयात को रोकने और एफसीआई के गोदाम में रखे खराब गुणवत्ता वाले अनाज को बाजार में खपाने के लिए गेहूं पर 10% का आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। मौजूदा समय में गेहूं पर कोई आयात शुल्क नहीं लागू है। कम वैश्विक कीमतों और घरेलू बाजार में बेहतर गुणवत्ता वाले अनाज की कमी के कारण आटा मिल और व्यापारी इसका आयात कर रहे हैं, जबकि एफसीआई के पास गेहूं का अतिरिक्त स्टॉक है। इसके बावजूद मिल और व्यापारी गेहूं आयात कर रहे हैं। उनका तर्क है कि एफसीआई के पास मौजूद गेहूं की गुणवत्ता ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ के जंगली औषधीय पौधों को बड़ा बाजार मिल सकेगा, साथ ही इसकी खेती करने वालों को भी आर्थिक फायदा होगा। देश की दो बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने छत्तीसगढ़ के औषधीय पौधों की खेती और संग्रहण का काम राज्य के वैद्यों से कराने का फैसला किया है। इस पहल से औषधीय पौधों की मांग और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ अपने जंगली औषधि पौधों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में औषधि पौधों की खेती करने वाले किसानों को कोई खास फायदा नहीं होता है। साथ ही इन पौधों को सही दाम भी नहीं मिल पाता, लेकिन अब डाबर और इमामी जैसी कंपनियों ने राज्य के वैद्यों से इनकी खेती से लेकर संग्रहण करने में आर्थिक मदद देने की पहल की है। 13 साल पहले भी किसानों द्वारा औषधि पौधों की खेती के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई थी, लेकिन मार्केटिंग की सुविधा नहीं होने से ये अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। राज्य के जंगलों में 1525 प्रजातियों के औषधि पौधे पाए जाते हैं, जिनसे सौंदर्य सामग्रियों से लेकर अनेक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अब इस नई पहल से औषधि पौधों को बड़ा और विकसित बाजार मिल सकेगा। कृषि वैज्ञानिक लगातार नई खोजों से किसानों के साथ साथ बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी किस्म की खोज की है जो कुपोषण मिटाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने इस खोज को अंजाम दिया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में कुपोषण से लड़ रहे बच्चों को सबसे ज्यादा होगा। वैज्ञानिकों ने अधिक सस्ता तत्व वाली धान की किस्म विकसित की है, जो कुपोषण मिटाने में अहम भूमिका निभाएगी। हम आपको बता दें कि आदिवासी बाहुल्य राज्य में करीब 7 लाख बच्चे कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं। मगर अब धान की इस नई किस्म से कुपोषण से पीड़ित बच्चों को खासा फायदा होगा। धान की इस नई पौध को छत्तीसगढ़ जिंक राइस एक नाम दिया गया है। ये देश की सबसे पहली सस्ता जैविक दृढ़ता वाली किस्म है। बहुत जल्द धान की ये नई किस्म लोगों की पहुंच में होगी। किसानों के हितों में पंतनगर विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों ने अच्छी पहल की है। संस्थान के अर्थशास्त्रियों ने धान और मक्का के मूल्यों के पूर्व अनुमान जारी किया है। संस्थान की इस पहल से किसान फसलों की खेती और बिक्री संबंधी निर्णय खुद ले सकेंगे। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार और कृषि संस्थान किसानों के हित में तमाम कोशिश कर रही है। इस क्रम में पंतनगर विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इस वर्ष बारीक धान की कीमतें 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहने का अनुमान लगाया है। संस्थान की इस पहल से किसानों को खासा फायदा होगा। अगर किसानों को पहले ही उनकी फसल का बाजार मूल्य पता चल जाएगा तो वो खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें किस हिसाब से अपनी खेती करनी है। मतलब वो ये अनुमान लगा सकेंगे कि कौन सी फसल उगाना उनके लिए फायदेमंद होगा। विश्लेषण से ये पता चला है कि बारीक धान पूसा धान 1121 सरबती जैसी प्रजाति की बाजार कीमतें नवम्बर और दिसम्बर 2015 में 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल के मध्य रहने की संभावना है। विश्व में भारत का धान के अंतर्गत क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जबकि इसके उत्पादन में दूसरा स्थान है।
भारत विश्व का पांचवा प्रमुख चावल निर्यातक देश है। जैविक खेती के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी ठोस पहल कर रही है। अब छत्तीसगढ़ के सरायपाली ब्लॉक में राज्य सरकार पहला जैविक ग्राम बनाने की तैयारी कर रही है। प्रायोगिक तौर पर 150 एकड़ जमीन पर जैविक खेती की जाएगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अनोखी पहल की है। राज्य सरकार ने सरायपाली ब्लॉक के डोंगी झरन गांव में राज्य का पहला जैविक ग्राम बनाने की तैयारी कर ली है। प्रायोगिक तौर पर इस साल 150 एकड़ जमीन पर जैविक खेती की जाएगी। इस अभियान के तहत किसानों को जैविक खेती के गुण विशेषज्ञों की देखरेख में सिखाया जाएगा। साथ ही खाद और दवा बनाने का प्रशिक्षण एनजीओ इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इकोबा के मार्गदर्शन में दिया जाएगा। इस गांव के जैविक उत्पादन को बेचने के लिए रायपुर बाजार के साथ सरायपाली में इसकी दुकान खुलवाकर बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा। जैविक पद्धति से खेती करने पर लागत में कमी आएगी और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद भी लोगों को मिल सकेगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट ने एक बार फिर सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। एजेंसी की माने तो मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी, जो सरकार के साथ साथ बैंकों के वित्त साख के अनुकूल नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मौजूदा हाल से सरकार की गणित बिगड़ सकती है। दरअसल ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। एजेंसी की माने तो इस साल के दौरान देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी, जो सरकार और बैंकों के वित्तीय साख के लिए ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, रेटिंग एजेंसी ने आर्थिक सुधारों की रफ्तार को लेकर भी निराशा जताई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पिछले महीने जो सर्वे कराया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत सुधारों की रफ्तार को लेकर कुछ निराशा व्यक्त की है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कहां है पशु के इलाज के लिए आईसीयू की सुविधा। बर्ड फ्लू का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में इसके लक्षण देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि इस योजना का फायदा फिलहाल 45 लाख गरीब महिलाओं को मिल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी तक इंसानों का ही आईसीयू में इलाज संभव था, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पशुओं के लिए आईसीयू के साथ साथ एम्बुलेंस और निजी कंपाउंडर का भी इंतजाम है। राजस्थान के नागौर में एक ऐसी गौशाला है जहां पशुओं की सेहत का खास ख्याल आधुनिक तकनीक के साथ रखा जाता है। पशुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठते रहते हैं। ना तो उनके इलाज के लिए सरकार की तरफ कोई पुख्ता इंतजाम है, ना ही प्राइवेट संस्थाएं भी पशु चिकित्सा क्षेत्र में कोई खास सहयोग कर रही है। मगर देश में एक ऐसी गौशाला है जहां गायों का ऑपरेशन और उनके लिए आईसीयू की व्यवस्था है। यही नहीं, इनकी देखरेख के लिए 65 डॉक्टर, 268 स्टाफ, 21 एम्बुलेंस, निजी कंपाउंडर भी तैनात हैं। देश की ये पहली बड़ी गौशाला है जहां पर ना केवल गाय का बल्कि बैल, बंदर, हिरण सहित कई पशुओं की देखभाल की जाती है। ये गौशाला अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। यही वजह है कि प्रदेश के कई वेटनरी कॉलेज के छात्र यहाँ पर इलाज सीखने को आते हैं। इस गौशाला में आवारा व घायल गौवंश के लिए बहुत बड़े पैमाने पर रहने व खाने पीने की सुविधा दी गई है। बर्ड फ्लू का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में इसके लक्षण देखने को मिले हैं। इटली मंत्रालय ने ओआईई में भेजे नमूनों के द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अफ्रीकी देश घाना में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। शुरुआती जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और जांच टीम ने इकट्ठा किए गए 4 फार्मों के सैंपल में एहतियातन लोगों को सावधान भी कर दिया है। H5N1 वायरस की मौजूदगी पाई है। हालांकि घाना के खाद्य कृषि मंत्रालय ने पोल्ट्री के उपभोग पर पाबंदी नहीं लगाई है। सरकार ने लोगों को भरोसा दिया है कि बर्ड फ्लू के रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई की जाए और बहुत जल्द इस पर काबू भी पा ले। सरकार ने लोगों को भरोसा दिया है कि बर्ड फ्लू के रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि इस योजना का फायदा फिलहाल 45 लाख गरीब महिलाओं को मिल रहा है। सरकार इस योजना का और विस्तार करना चाहती है, इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पेंशन योजना के विस्तार में जुटी है। राज्य सरकार का मानना है
कि प्रदेश में योजना सफलतापूर्वक चल रही है। फिलहाल इस योजना के तहत 45 लाख गरीब महिलाओं को मदद पहुंचाई जा रही है। अब राज्य सरकार इस आंकड़े को बढ़ाकर 50 लाख तक पहुंचाना चाहती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाजवादी पेंशन योजना अपने संसाधनों से चला रही है और इस योजना से एक बड़े हिस्से को आर्थिक फायदा हो रहा है। इसके तहत पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है ताकि किसी भी तरह की धांधली ना हो सके। महिलाओं की खुशहाली में ही देश की तरक्की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि महिलाओं का विकास ही एकमात्र उपाय है जिससे भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर ठोस पहल कर रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योजनाएं बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला विकास के लिए भी केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि महिलाओं का विकास ही एकमात्र उपाय है जिससे भारत को आगे ले जाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है जिससे महिलाएं सुरक्षा का एहसास कर सके। महिलाएं भारत की आर्थिक आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और पुरुषों की तुलना में ज्यादा जिम्मेदारियों को निभाती हैं, लेकिन इसके बदले में कमजोर भुगतान के चलते वे आश्रित और वंचित होने को मजबूर होती हैं। खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अब 1 लाख महिलाओं को खादी उद्योग से जोड़ने की योजना बना रही है। साथ ही सोलर चरखा की मदद से ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने की भी सरकार की तैयारी है। खादी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार खादी की बिक्री बढ़ाने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को खादी उद्योग से जोड़ने की पहल कर रही है। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को रोजगार देकर उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने की योजना है। साथ ही केंद्र सरकार सोलर चरखा को बढ़ावा देने के लिए भी पहल कर रही है। सरकार का मानना है कि सोलर चरखा के उपयोग से बुनकरों पर तनाव कम होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। साथ ही बुनकरों की आय में हर माह करीब 5,000 से 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने खादी की बिक्री 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य तय किया है। अब हमारा देश इंटरनेट की दुनिया में एक अलग पहचान बना सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया को लॉन्च कर दिया है। 1 हफ्ते तक चलने वाले डिजिटल इंडिया वीक के दौरान कुल 251 सर्विस और प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य देश के कोने कोने तक इंटरनेट की पहुंच बनाना है। अब इंटरनेट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि देश के हर गांव तक इंटरनेट की पहुंच होगी और हर कोई आसानी से इंटरनेट का फायदा उठा सकेगा। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य गांव-गांव तक बेहतर इंटरनेट सुविधा पहुंचाना है, साथ ही इंटरनेट के माध्यम से तमाम सरकारी कामों को आसान बनाना है। 1 हफ्ते तक चलने वाले डिजिटल इंडिया वीक के दौरान कुल 251 सर्विस और प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आईटी के क्षेत्र में दुनिया भारत का लोहा मानती है। अब भारत इंटरनेट का विस्तार कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगी। हम आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। एक बार फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो दिखाएंगे कैसे हवा से बनेगा पानी। आधार कार्ड में हुई सुरक्षा चूक को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाई गई पहल की शुरुआत 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द भारतीय डाक विभाग को भुगतान बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय रिजर्व बैंक अगस्त तक डाक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधार कार्ड में हुई सुरक्षा चूक को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाई गई पहल की शुरुआत 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इसके तहत सरकार के कर्मचारी करीब 25 करोड़ घरों तक जाकर आधार में दर्ज डाटा की पुष्टि करेंगे। केंद्र सरकार लोगों की पहचान और सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ठोस पहल कर रही है। इसी क्रम में विशिष्ट पहचान वाले आधार नंबर को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से जोड़ने का महाअभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ है। इसके तहत सरकार के कर्मचारी देश के करीब 25 करोड़ घरों तक जाकर आधार में दर्ज में डाटा की पुष्टि करेंगे। अगले 9 महीने में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। पूरी कवायद का उद्देश्य आधार कार्ड जारी में हुई गड़बड़ियों को दूर करना होगा। दरअसल आधार नंबर जारी करने में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन नहीं किया जा सका था।
इस कारण इसमें कई गड़बड़ियों के आरोप भी लगे थे। आधार नंबर को एनपीआर में शामिल करने के पहले इन गड़बड़ियों को दूर करना जरूरी है। बहुत जल्द भारतीय डाक विभाग को भुगतान बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय रिजर्व बैंक अगस्त तक डाक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। केंद्रीय दूर संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये उम्मीद जताई है। इस पहल से आम लोगों को खासा फायदा होगा। अब आप अपने पोस्ट ऑफिस में सिर्फ चिट्ठियां भेजने ही नहीं बल्कि पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी जा सकेंगे। प्रस्तावित भारतीय डाक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अगस्त तक भुगतान बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। ये लाइसेंस मिलने से देश भर में फैले 1,54,000 डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने का अवसर मिलेगा। इनमें से 1,30,000 डाकघर ग्रामीण इलाकों में है। डाक विभाग देश भर में फैले अपने नेटवर्क के जरिए भारतीय डाक बैंक के तौर पर काम की पेशकश कर चुका है, जिस पर मंजूरी मिलने का इंतजार है। पिछले एक साल के दौरान डाक विभाग ने कंप्यूटरीकरण के जरिए 27,215 डाकघरों को एक नेटवर्क में जोड़ दिया है, जो इसी अभियान का एक हिस्सा है। बहुत जल्द हम आप सिर्फ हवा को महसूस नहीं करेंगे बल्कि पी भी सकेंगे। ये बात सुनने में जितनी अजीब है उतनी ही सच। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो हवा को पानी में बदल देगा। ये यंत्र खासकर उन जगहों के लिए बनाया गया है जहाँ पानी की समस्या ज्यादा है। अब पानी की समस्या कोई खास समस्या नहीं होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पानी की परेशानी को दूर करने के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वाटर मिल का आविष्कार किया है जो हवा को पानी में तब्दील कर सकती है। ये एक एटमॉस्फेरिक जनरेटर है जो हवा को साफ पानी में बदलने की क्षमता रखता है। इस गैजेट के जरिए किफायती दामों में हवा को पानी में बदला जा सकता है। ये वाटर मिल खास तौर पर ऐसे इलाकों के लिए बनाई गई है जहां पीने के लिए साफ पानी मौजूद नहीं है। प्रमुख रूप से ये उन घरों के लिए है जो इको फ्रेंडली और किफायती दामों में बोतल बंद पानी का विकल्प तलाश रहे हैं। ये वाटर मिल हवा को पानी में तब बदलती है जब इसमें भाप होती है और इसका तापमान काफी नीचे आ जाता है। भारत में पानी की समस्या आम बात है जिसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। दूसरे देश भी भारत की पानी की समस्या पर शोध कर रहे हैं। इसी क्रम में नासा और जापान के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर भारत के लोग वर्षा जल का संग्रह कर इस्तेमाल करें तो उनको काफी फायदा होगा। भारत में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, चाहे पीने के लिए पानी की जरूरत हो या फिर खेत से लेकर बाकी दूसरे आवश्यकताओं के लिए। पानी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें और दूसरी संस्थाएं भी गंभीरता से काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, भारत में पानी की समस्या पर दूसरे देश के वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं। नासा और जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी के एक शोध में बताया है कि भारत के लोग संग्रहित रेन वाटर से न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं बल्कि संग्रहित जल को आमदनी का साधन भी बना सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्षा जल संचय कोई नई अवधारणा नहीं है, लेकिन भारत में वर्षा जल संग्रहण की अपार संभावनाएं हैं जिसका फायदा उठाया जा सकता है। गंगा स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब गंगा में प्रदूषण की निगरानी के लिए केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ समझौता किया है। सरकार की इस पहल से गंगा में प्रदूषण पर पूरी नजर रखी जा सकेगी। केंद्र सरकार गंगा स्वच्छता अभियान को हर कीमत पर सफल बनाना चाहती है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय गंभीरता से काम भी कर रही है। एक नई पहल करते हुए केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने गंगा स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न पहलुओं के लिए भूस्थानिक तकनीक के क्षेत्र में एक साथ काम करने का समझौता किया है। नदी जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए इसरो पहल करेगी, साथ ही दूसरे कई तकनीकों की मदद से गंगा में होने वाले प्रदूषण के कारणों और मात्रा से जुड़े आंकड़े मंत्रालय को पेश करेगी, ताकि मंत्रालय इन सूचनाओं का उपयोग गंगा स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए कर सके। केंद्र सरकार गरीबी उन्मूलन और खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बाद भी देश में अल्पपोषण लगातार एक बड़ी समस्या बना हुआ है। लंबे समय तक पर्याप्त और पौष्टिक आहार ना मिलना ही कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है।
भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद अल्प पोषण लगातार एक बड़ी समस्या बना हुआ है। हाल ही में भूख संबंधी रिपोर्ट के मुताबिक अल्प पोषण का एक मुख्य कारण उच्च विश्व खाद्य कीमतों का पूर्ण रूप से घरेलू कीमत में परिवर्तित न हो पाना है। भूख संबंधी रिपोर्ट 2015 में ये संख्या 194.6 मिलियन बताई गई है। सर्वाधिक संख्या के साथ इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। 1990 में चीन में अल्प पोषकों की संख्या तकरीबन 279 मिलियन थी। दो दशकों में यह आंकड़ा घटकर तकरीबन 133.8 मिलियन तक आ गया है। हालांकि पिछले दो दशकों में भारत में ये संख्या 7% घटती जरूर दिखाई देती है, लेकिन पिछले 5 सालों में ये आंकड़े 2.6% बढ़ता ही दिखा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द कृत्रिम रक्त का फॉर्मूला पास हो जाएगा और फिर खून की आवश्यकता की वजह से किसी की भी मौत नहीं होगी। ब्रिटेन के वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मूल कोशिकाओं से तैयार किए गए रक्त को मानव शरीर में चढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अब बहुत जल्द कृत्रिम खून भी बाजार में उपलब्ध होगा। आप दवाओं की तरह खून भी खरीद सकेंगे। दुनिया में पहली बार कृत्रिम रक्त चढ़ाने को मनुष्य पर परीक्षण किया जाएगा। यूके साल 2017 से प्रयोगशाला में मूल कोशिकाओं यानी स्टेम सेल से तैयार किए गए रक्त को मानव शरीर में चढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने यह घोषणा की है कि 2 साल के अंदर लैब में तैयार किए गए खून को व्यक्तियों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट ने वयस्क के मूल कोशिकाओं को विकसित किया है। अगर वैज्ञानिक इसमें सफलता हासिल करते हैं तो फिर कृत्रिम खून की मदद से लोगों की जान बचाई जा सकेगी। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 Sector 63 नोएडा उत्तर प्रदेश PIN 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120498000, साथ ही 0011।